नमस्ते। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटियों का एक यूनिक सिंधी नाश्ता। आप इस रोटियों को छोटे छोटे तोड़ भी सकते हैं, और लेकिन हम इसको पहले एक रोटी को रोल बनाएंगे और इसको रोल की तरह बारीक बारीक मैगी के स्टाइल में बारीक बारीक लंबा लंबा काट देंगे। ये देखो, ये नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैगी के जैसा ही सेम स्वाद लगता है। सारी रोटियां कट चुकी हैं। हम कढ़ाई रखेंगे गैस पे और हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। राई 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्ची डाल देंगे। इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल देंगे। बारीक कटी हुई 6-7 लहसुन की कलियां डालेंगे और हम इसको मिक्स कर देंगे। प्याज और लहसुन को पिंक होने के लिए रखेंगे। हम इसमें बारीक पिसे हुए टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें 3 टमाटर बारीक कटे हुए डाल देंगे। तो मिक्स करेंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे। अब स्वादानुसार 1/2 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी। अब इसको मिक्स करेंगे। इस मसाले को पकाएंगे। मसाला हमारा पक गया है। अब हम इसमें बची हुई ये बारीक रोटियां डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। हमने अब ये पानी को सूखने देंगे। जब तक ये सारा पानी सूखता है हम इसको ढक देंगे। पानी सूख चुका है। अब हम इसको घुमाएंगे। हम इसको ऊपर से हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे और ये ऑप्शनल है। यदि आपकी इच्छा हो तो ही डालें। ये स्टेप आप कट भी कर सकते हैं। थोड़ा टमाटो केचप डालेंगे। हमारी रेसिपी रेडी। हम इसको सर्व करेंगे। बच्चों, हुई रोटियों का सिंधी यूनिक नाश्ता रेडी है।